वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, अकाउंट्स के बारे में। टेंथ तक मेरा स्टेट बोर्ड था, इसीलिए मुझे अकाउंट सब्जेक्ट नहीं था टेंथ तक, बट मुझे मैथ सब्जेक्ट से बड़ा ही डर लगता था। तो मुझे लगता था कि जब मैं 11th 12th में अकाउंट्स होगा, कॉमर्स साइड लूंगी, अकाउंट्स होगा तो वो भी मैथ्स की तरह होगा और मुझे उससे भी डर लगेगा। तो अकाउंट सब्जेक्ट शुरू होने से पहले ही मेरे मन में डर बैठ गया था कि ये कुछ तो बहुत भयानक सब्जेक्ट होने वाला है। क्योंकि मुझे जब किसी को भी मैं बताती थी कि मैं कॉमर्स फील्ड लेने वाली हूँ, तो दे यूज टू से कि अकाउंट्स अच्छे से करना, अकाउंट्स ध्यान से करना, अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस करना। हाँ, लोग आपको अकाउंट्स के मार्क्स पूछते हैं, जब जैसे ही आप बताते हो कि कॉमर्स फील्ड से हो तो पूछते हैं अरे अकाउंट्स में कितना स्कोर था। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट था शुरू होने से पहले ही डर बैठ गया था, जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि इसमें भी मैथ्स होगा। बट जैसे ही ये सब्जेक्ट शुरू हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, अकाउंट्स का मैथ से कोई रिलेशन नहीं है। और इतना अच्छा लगने लगा मुझे ये सब्जेक्ट, क्योंकि कितनी भी कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, आप 11th में हो या आप CA फाइनल कर रहे हो, पूरा का पूरा अकाउंट्स जो है वो सिर्फ 3 रूल्स से चलता है। अगर ये 3 रूल्स आपने बहुत अच्छे से सेट कर लिए खुद के दिमाग में, तो आप किसी भी लेवल पे हो, अकाउंट्स आपके लिए कभी डिफिकल्ट नहीं होगा, ये पक्का है, ये श्योर है। हमें अकाउंट्स का जो पहला डे था क्लास का 11th स्टैंडर्ड में, तो पहले ही दिन हमें बताए गए थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो मुझे लगता था कि इनको गोल्डन रूल्स क्यों कहा जाता है, बट आज जब मैं CA बन गई हूँ तो मुझे समझता है कि क्यों गोल्डन रूल्स इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इन 3 रूल्स के बिना अकाउंट्स पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंट्स में अगर आपको स्ट्रांग होना है तो ये 3 रूल्स आप याद कर लो, आप दिमाग में सेट कर लो, तो किसी भी लेवल पे चले जाओ, अकाउंट से डर नहीं लगेगा। तो ये जो 3 गोल्डन रूल्स है ये हमेशा दिमाग में रखने हैं। जब भी मैं स्टूडेंट्स को भी कहती थी अकाउंट्स का क्लास जब मैं लेती थी, तो मैं उन्हें कहती थी कि आप अकाउंट्स की नोटबुक में सबसे फर्स्ट पेज पे ये 3 गोल्डन रूल्स लिख के लो, बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख के लो उस पेज पे, बाकी और कुछ मत लिखो, ये गोल्डन रूल्स लिख के लो, और हर क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस पेज पे आओ और दिमाग लगाओ कि ये कैसे मैं अप्लाई करूँ, ये रूल्स कैसे मैं अप्लाई करूँ। एक बार आपको वो ट्रिक समझ गई कि ये रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं, तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो क्या है ये 3 गोल्डन रूल्स, जो ऑफकोर्स कॉमर्स फील्ड वाले हैं उनको तो रटे हुए हो गए ये रूल्स, फिर भी एक बार बता देती हूँ। 3 गोल्डन रूल्स है, पहला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, पूरा जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन को 2 इफेक्ट्स होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स हैज 2 इफेक्ट्स, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। दोनों की अमाउंट सेम होती है, जितना डेबिट हुआ एक ट्रांजैक्शन में, जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होगा, ये पक्का है। तो हर एक ट्रांजैक्शन को 2 इसमें डिवाइड करके एक को बोलते हैं डेबिट इफेक्ट गया और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट गया। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है जो सारे आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं उनको आप डेबिट कर दो, और जो भी आपको इनकम्स हो रही है, गेन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको आप क्रेडिट कर दो। ये कहता है नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करो और जिससे मिल रहा है उसको क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट और एक रूल कहता है डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर क्या होता है, जैसे हम अकाउंट्स में डिटेल में जाएंगे तब समझेगा, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और तीसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील करता है प्रॉपर्टीज से, असेट्स से। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में अंदर आ रही है प्रॉपर्टी, जो भी असेट्स अंदर आ रहे हैं उनको डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई असेट, कोई प्रॉपर्टी अगर बिजनेस के बाहर जा रही है तो उसको
क्रेडिट करो। तो ये तीन सिंपल रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो तीन सिंपल रूल्स हैं, अगर ये समझ लिए कैसे अप्लाई करने हैं, तो अकाउंट सब्जेक्ट बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको लगता होगा कि अरे 11th स्टैंडर्ड में जो अकाउंट्स था वो तो बड़ा ही बेसिक था, उसमें ये रूल्स अप्लाई हो जाते होंगे, बट अगर हम सीए कर रहे हैं तो वहाँ पे तो और कुछ एडवांस रूल्स होंगे। बिल्कुल नहीं, ये जो तीन रूल्स हैं इन्हीं पे पूरा अकाउंट्स डिपेंडेंट है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ये रूल कैसे अप्लाई करने हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। राम नाम का बंदा है जो कि बिजनेस कर रहा है, उसने अभी ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन हुआ उसके बिजनेस में, हमको उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर करना है। अब ट्रांजैक्शन क्या हुआ, राम परचेज्ड फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस वर्थ ₹10,000 एंड पेड द अमाउंट इन कैश। यहां पे ट्रांजैक्शन क्या हुआ, राम ने फर्नीचर परचेस किया 10,000 का अपने बिजनेस के लिए और उस 10,000 को कैश में पे किया। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में देखिए, हमको एक प्रॉपर्टी दिख रही है बिजनेस में आती हुई। कौन सी प्रॉपर्टी है, वो फर्नीचर। तो जैसे ही प्रॉपर्टी दिखी तो कौन से अकाउंट में जाना है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ने क्या बोला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। अमाउंट क्या होगा, 10,000। और एक प्रॉपर्टी हमको इसमें दिख रही है जो बिजनेस से जा रही है, उसने फर्नीचर लाया बट कैश दिया। कैश भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक असेट है बिजनेस का। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्रेडिट किसको देंगे, कैश को। तो देखो कितना सिंपल है। अकाउंट्स कहता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट इफेक्ट, एक होता है क्रेडिट इफेक्ट। अब डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, ये आपको बताएंगे ये तीन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमको हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट्स मिल गए। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था अमाउंट भी सेम होगी डेबिट और क्रेडिट की, हमेशा टैली होंगे। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स टैली है तो ही समझना है कि हमारा सब सही चल रहा है, सब हमारी अकाउंटिंग बरोबर हो रही है। अलग अलग अमाउंट्स नहीं आएंगे, डेबिट इफेक्ट को जितना अमाउंट है, क्रेडिट इफेक्ट को भी उतना ही अमाउंट आएगा। अब राम के ही बिजनेस का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। राम पेड अ रेंट ऑफ ₹50,000 फॉर हिज बिजनेस, फॉर द शॉप वेयर ही इज रनिंग द बिजनेस, एंड द अमाउंट इज पेड इन कैश। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, राम ने 50,000 का रेंट पे किया बिजनेस के लिए और वो रेंट पे किया कैश में। अब देखो इसमें और पिछले एग्जाम्पल में एक सिमिलैरिटी है, कोई प्रॉपर्टी जा रही थी, कौन सी प्रॉपर्टी, कैश। तो प्रॉपर्टी असेट जैसे आपको दिखा बाहर जा रहा है, किसको लाना है, रियल अकाउंट को लाना है। रियल अकाउंट ने क्या बताया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 50,000। अब डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी अंदर आई नहीं, कोई फर्नीचर नहीं लिया, कुछ लिया नहीं, तो रियल अकाउंट में से तो हमको एक ही इफेक्ट मिला। बट यहाँ पे और एक चीज हो रही है, कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है बिजनेस के लिए। क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेंट पे हो रहा है। तो जैसे ही एक्सपेंडिचर दिखा तो हम कहाँ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के पास जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट ने हमको बताया है जब कोई एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस का तो उसको हमें डेबिट करना है। तो एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। टू हम जब क्रेडिट इफेक्ट देते हैं तो टू लिखते हैं। तो देखो डेबिट में 50,000 आ गए, क्रेडिट में 50,000 आ गए। ऐसे
हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते ही हैं, और वो दो इफेक्ट इन तीन गोल्डन रूल्स जो हमने सीखे हैं उसी में से होते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। तो ये तीन गोल्डन रूल्स अगर आपने आपको ये अप्लाई करते आ गए तो आपको कितना ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कोई भी लेवल का हो, सीए हो, सीएफए हो, सीएसओ, कोई भी लेवल का अकाउंट का क्वेश्चन हो, आपको 100% सॉल्व करते आएगा वो क्वेश्चन। सिर्फ इन तीन रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, इनको अप्लाई कैसे करना है वो ऑफकोर्स विथ प्रैक्टिस आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। हर एक चीज ध्यान में रखनी है, बिजनेस is made up of transactions and every accounting transaction has two effects, debit effect and credit effect. दोनों में amount होती है same. और debit किसको करना है, credit किसको करना है, ये हमको बताता है हमारे तीन golden rules, हमारे तीन accounts, nominal account, real account and personal account. तो आई होप आपको ये जो मैंने बेसिक समझाई अकाउंट के, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें अकाउंट्स की, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई है। ऐसे और बेसिक्स अगर आपको जानने हैं